अब आ चुके हैं बंगाल टाइगर्स की ओपनिंग बैट्समैन। कमेंट्री बॉक्स में हूं सविश श्रीवास्तव, मेरे साथ तन्मय मिश्रा। पहली बॉल कवर्स की तरफ, अच्छा टाइमिंग और हल्का सा बॉल अंदर आई। प्लेयर्स अच्छे से अपनी टीम को बैक करते हुए और ये कवर्स के थ्रू मार दिया है। दो रन आसानी से होने चाहिए और अच्छा शॉट, दो रन। डंडा बाहर गया, फिर से बॉल हल्का सा घूमा, टर्न हुआ, शेप हुआ, आउटस्विंग हुआ। देयर इज नथिंग दैट कृष्णा कांट डू, वॉच दिस। पहली बॉल जो जामी खेलने वाले हैं, सामने है कृष्णा, गजब के फॉर्म में, शानदार ये बॉल और उसे सम्मान दिया, उस मैच को खींच लिया। आज क्या करेंगे, कैच का मौका था, ड्रॉप चांस यहां किसी सुदीप की ओर से। कृष्णा जानते हैं कितना बड़ा विकेट ये था, बहुत बड़ा मिस, दो रन मिलेंगे जामी को। वाइटल वाइटल ये थे उनके, तब भी मिस हुआ इस बार, फिर से विकेट कीपर से भी मिस होता हुआ। बहुत ज्यादा मूवमेंट, ना सिर्फ बैट्समैन बल्कि विकेट कीपर को भी परेशान कर रहा है ये मूवमेंट। बॉल एक और, बारी को जाना होगा, कार्तिक दूसरी तरफ से वही काम करते हुए, जबरदस्त गेंदबाजी यहां पर, खूबसूरत डिस्प्ले ऑफ फास्ट बॉलिंग। बंगाल टाइगर्स अपना दूसरा विकेट खोते हुए, यॉर्कर लेंथ का मिस करते हुए डॉट बॉल, तीन ओवर समाप्त, 13-2 बंगाल टाइगर्स। कर्नाटका बुलडोजर्स सटीक गेंदबाजी पुल किया इस बार और 6 रन मिलेंगे जामी को, सबसे बड़ी बाउंड्री को चुनते हुए, लेकिन उसके बावजूद उसे क्लियर करने में हुए असफल। और जानते हैं पप्पा दा भी कि कितने महत्वपूर्ण प्लेयर है जामी। रन से ट्रेल करने के बाद भी टीम अपने आप को बैक कर रही थी और वैसा ही कुछ आज बंगाल टाइगर्स को भी करना होगा। फुल ये गेंद उठा दिया है, लॉफ्ट किया है, कैच का मौका बन सकता था लेकिन नहीं, फील्डर बहुत पीछे थे। सुनील राव अच्छी गेंदबाजी की थी इन्होंने पिछले मैच में, शॉट कॉशन बोल्ड का भी मौका था लेकिन सबको चीरते हुए ये गेंद 4 रन के लिए गई। जिशु के कॉन्फिडेंस में अब इजाफा होगा। नॉमी बहुत इंपॉर्टेंट, रफ्तार को थोड़ा ब्रेक लगाने के लिए, जो कि बड़ी अच्छी कैप्टनसी है मेरे हिसाब से, कि सही मौके पे उन्होंने लाया है। एक बार फिर से उठाकर खेल दिया है, कैच का मौका बन सकता है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से जज जरूर किया लेकिन आखिरी क्षण पर बॉल छटक गई हाथ से। जामी को दूसरा जीवनदान मिल गया तन्मय। Good batters, Yami is there, Jishuda is there, Rahul is there, all of our batters, Uday is there. So I think we have a good combination still coming up. We have a lot of batters. So yeah, fingers crossed, we are going to cross the line. Yes, and Jami has been jamming. अपने आर्ट और अपने टैलेंट के बलबूते पे अपने क्रिकेटिंग ड्रीम्स पूरे कर रहे हैं, पर जिशु बड़े प्रॉपर बल्लेबाज हैं, शायद इस बड़ी हिटिंग कॉन्टेस्ट में उतना मैच ना कर पाए जैमी को, तो जैमी है जी। ये बढ़िया स्ट्रोक है, वहां पर कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के लिए, खेद एक सर्वर बाउंड्री के बाद 6 रन के लिए। मैं कह रहा था इन्होंने अपने मसल्स को घुमाया था और मैंने कहा ना कैलिब्रेशन जो है, और हल्का सा एक फ्रैक्शन डिले करा और बॉल को, पीछे रह रहे हैं क्योंकि अब थोड़ा सा फासला बढ़ता चला जा रहा है, माहौल है उनके यहाँ क्योंकि लीड बहुत बड़ी है। और ये शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को निकाला है, वहां पर मिड विकेट के ऊपर जा रही है गेंद, देखना है कि, और अंपायर का इशारा 6 रन का, 4 रन का इशारा, एक बाउंस पहले गिर गई वो गेंद और बढ़िया स्ट्रोक वहां पर जीशु के बल्ले से निकलो कि बाउंड्री स्ट्रोक खेलें। और ये उठाकर खेला है, लॉन्ग ऑन पर जा रही है गेंद, 2 रन जरूर मिलेंगे क्योंकि गेंद बहुत ज्यादा दूर नहीं गई है, मगर गेंदबाज खुद भाग कर गए और 1 रन से सुरक्षित बल्लेबाज क्रीज पर मंजुनाथ। और ये खेल दिया हवा में, जरूर खेला गया है, कवर पर जा रही है गेंद और बैकवर्ड पॉइंट से खिलाड़ी भाग के जा रहे हैं, क्या गेंद को रोक पाएंगे कि नहीं, गेंद को रोका उन्होंने डाइव लगाकर, अच्छी फील्डिंग और 30 रन के बल्लेबाज पलट कर आ रहे हैं और उठा दिया है, ये गेंद जाएगी 6 रन के लिए, कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के लिए, गई है दूसरे पाले में, दूसरे स्टैंड पर अगर गेंद गिरी है। देखिए अब तो कोई चारा नहीं है इसके अलावा लगना चाहिए क्योंकि विकेट अच्छा है, अगर कर्नाटका के प्लेयर्स ने मारा है तो इनके भी हिट्स लगेंगे। फिर स्लॉट पे गेंद है, फिर उसी तरफ खेला है, मिड विकेट पे खिलाड़ी मौजूद हैं, हवा में गेंद है, क्या वो रोक पकड़ पाएंगे, नहीं, एक बाउंस पहले गेंद गई और 4 रन का इशारा था वो अंपायर का और इसके खास स्कोर 59 2 विकेट नुकसान कर रहे हैं। फिर स्लॉट पे आई है गेंद, फिर बैक में खेली गई है, फिर ये 6 रन के लिए,
क्या बढ़िया ओवर है अब तक ये। देखिए बिल्कुल किसी गेंदबाज के आपके साथ रिक्का कहते हैं सेट हो जाता है ना, बड़े स्लॉट में बॉल कर रहे हैं और फिर से क्या बात है, क्या बात है जी, क्या बात है। 3 छक्के एक ही ओवर में और चौथा जो चौका लगा था वो भी बिल्कुल 1 फुट अंदर। 30 बना ले। आप देखिए हल्का सा लाइन खराब हुई तो बच गए, जब बिल्कुल टप्पा सटीक था तो छक्के खा रहे थे। फॉर द विकेट चंदन काफी महंगे साबित इस ओवर में और उनके भी आर्क में आई है, बाहरी किनारा लगाया, थर्ड मैन की तरफ गेंद जा रही है, वहां पर खिलाड़ी ने फुटबॉल खेला थोड़ी देर और मगर 2 रन से नहीं रोक पाए बल्लेबाजों को और ओवर की समाप्ति 74 2 विकेट के नुकसान पर। स्लो चलेगा ये और ये लेग स्टंप के बाहर गेंद थी और वाइड का भी इशारा आएगा अंपायर का, 4 रन मिले भी नहीं, रन जैसे मर्जी आए मगर 5 रन आते हुए और 5 रन के का स्कोर बढ़ता हुआ 81 रन, एक एक्स्ट्रा बॉल भी मिलेगी जो पहली डॉट बॉल गई थी उसका प्रेशर हटता हुआ। 36 रन बनाए हैं जैमी ने और ये देखिए बढ़िया स्ट्रोक स्लॉट में आता हुआ और क्या उसको रोक पाएंगे भले अपर फील्डर, और रोकने की कोशिश जरूर की मगर गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। और जीजू का जज्बा देखें तो कप्तानी पारी खेलते हुए थोड़ी सी बेहतर गेंदबाजी। ओह क्या बात है, ये तो दूसरा शॉट, एक और 6 लाजवाब शानदार जिशु सेन गुप्ता। मैं भी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हूं कि जिशु की फायर पावर मैंने अब तक देखी नहीं थी, ये बैटिंग है पारी ने तो कमाल कर दिया के अंदर और एक बार फिर उठाकर खेला है स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर जा रही है गेंद, कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के लिए और 4 रन और इसके साथ ही 50 रन पूरे हुए। जिशु ने तो 23 बॉलों में 50 कर दिया, 95 पे 2 ये है कि हल्की सी इंजरी के बावजूद आप खिलाड़ी को देख सकते हो, बहुत सारे चौथा पीछे खिलाड़ी मौजूद है। जैमी की स्ट्राइक रेट भी बड़ा नहीं आ रहा, 2 रन फिर भी आ गए पर अच्छा शॉट था। अब बड़े शॉट्स को देख रहे हैं किचा, ये फुल टॉस गेंद है, इसको नो बॉल भी करा दिया, मारिए गेंद बाउंड्री के बाहर चली जाएगी, कोई मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के लिए। मुझे लगा कि टॉप एज हो गया, मुझे लगा मिस हिट हो गया पर उनके मारते ही उन्होंने जिस तरह से रिलैक्स किया और कमाल है 100 रन पूरे कर दिए जी, क्या टक्कर दी है, शॉट टू शॉट मैच किया। अब भी ले सकते हैं क्या, और ये तो वाइड होगी तो वो नो बॉल का जो कंपेंसेशन था वो यहाँ पूरा होता हुआ और ये बैक टू द बॉलर खेला था, तेज करारा स्ट्रोक था, 2 रन के लिए बल्लेबाज आना चाहते हैं मगर कदम खींच ले वापस, 1 रन जरूर मिलेगा, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 105 2 विकेट नुकसान पर। आप पास पहुंच गए बड़ी बात है और शॉट है पर पीछे खिलाड़ी मौजूद, 1 ही 2 लेने की है और पहुंच गए, थोड़ा वीक थ्रो था, टप्पा पड़ा और स्लो हो गया, 1 रन से मुझे लगता है माइंड नहीं करेगा कर्नाटक का। सुनील राव और ये गेंद तो खेला हवा में जरूर, गेंद है वहां पर जा रही है गेंद पैकेट पॉइंट की तरफ और 2 रन के लिए बल्लेबाज पलट कर आ गए हैं और इसके साथ ही 100 रन की साझेदारी पूरी हुई 109 2 विकेट नुकसान पर 10 ओवर की समाप्ति के बाद। जिशु ने जे ने कमाल कर दिया, क्या बात है, 2 विकेट जल्दी जाने के बाद ये जो पलटवार है ये बहुत कम देखा गया, 109 पे 2।